Hello, welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Trinity College, University of Allahabad. And the topic of today's discussion is types of mastery learning. Earlier, we have discussed about mastery learning, and today we are going in detail about types of mastery learning. And the lecture will be in bilingual mode, that is, explanation will be in Hindi and content will be in English. And this video will be useful for various teaching examinations. So do subscribe my channel. Let's start. First of all, mastery learning. मास्टरी लर्निंग के लिए पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आपने उसे सुना होगा. मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पुराने वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप इसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं कि मास्टरी लर्निंग का कंसेप्ट क्या है. मास्टरी लर्निंग इज ए फिलॉसफी एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज डिजाइंड टू हेल्प टीचर्स बेटर इंडिविजुअलाइज टीचिंग एंड लर्निंग इन ग्रुप बेस्ड क्लासरूम्स. ये कह रहा है कि मास्टरी लर्निंग मतलब हमको किसी कंसेप्ट पे एकदम मास्टरी हो जाए, वो एक तरीके की फिलॉसफी है और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज का सेट है. मतलब अनुदेशनात्मक तकनीकी में हमको का एक सेट है, एक समुच्चय है जो हेल्प करता है टीचर्स को, ताकि वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को बेटर इंडिविजुअलाइज टीचिंग प्रदान कर सके. मतलब कि हम वन टू वन टीचिंग उनको प्रदान कर सके इन ग्रुप बेस्ड क्लासरूम्स. Then, following initial instruction on the unit, teachers administer a brief formative assessment or specific corrective activities designed to guide students in correcting any identified learning difficulties. वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि पहले किसी कॉन्सेप्ट पे हमने, आप उसको आगे पिछले वीडियो से डिटेल में जान लेंगे, फिर भी ब्रीफ में, क्रिस्प में क्या है कि हमको क्या करना होगा. जो हमारा कंसेप्ट होगा, जो हमारा सिलेबस होगा, उसको हम यूनिट वाइज कर लेंगे, उसके हम ऑब्जेक्टिव्स पहले डिसाइड कर लेंगे, और फिर क्या करेगा टीचर, इनिशियल इंस्ट्रक्शन प्रदान करेगा आपको. फिर उसके बाद हम आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट लेंगे, यानी कि ये जानना चाहेंगे आपने कितना अचीव किया, कितना कहाँ क्या दिक्कत आ रही है. और उसके बाद अगर दिक्कत नहीं आ रही है, आपने सब अच्छा किया है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे. और अगर दिक्कत आ रही है तो आपको करेक्टिव मेजर्स प्रदान किए जाएंगे, है ना, ताकि हम उस कंसेप्ट को अच्छे से कर सके, अच्छे से उस पर मास्टरी कर सके, उसे समझ सके, उसके प्रश्नों के उत्तर दे सके. और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक मास्टरी अटेन ना हो जाए. तो मास्टरी लर्निंग का कंसेप्ट कहता है कि एटलीस्ट 90% स्टूडेंट्स हु कैन अचीव 90% मार्क्स, तब हम कहेंगे कि हाँ, मास्टरी लर्निंग का कंसेप्ट हमने अचीव कर लिया है. मास्टरी लर्निंग इज द ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन इनोवेशन, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं ना कि ये नवाचार है शिक्षा के क्षेत्र में. वो क्या कह रहा है, मास्टरी लर्निंग इनेबल्स स्टूडेंट्स टू मूव फॉरवर्ड एट देयर ओन पेस. जैसे ही हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वैसे ही हम स्टूडेंट के पेस की बात करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमको ये सुविधा प्रदान की है कि बच्चा, विद्यार्थी, बालक अपने पेस से चलेगा. हम ये नहीं उन पर फोर्स कर सकते हैं कि सबको एक ही पेस से चले, बिकॉज इट कांट बी पॉसिबल, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर. सो फॉरवर्ड एट देयर ओन पेस, वो अपने पेस से चलेगा एज दे मास्टर नॉलेज, स्किल्स एंड डिस्पोजिशंस. वो मास्टरी कर सकता है ज्ञान की, कौशलों की और डिस्पोजिशंस की. देन मास्टरी लर्निंग इज ए सेट ऑफ ग्रुप बेस्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लर्नर्स will accomplish a high level of understanding in a given area if they are given sufficient time. देखिए, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यही है कि जब हम आगे चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये दो टाइप का है. तो जो ब्लूम का बताया हुआ मास्टरी लर्निंग का कंसेप्ट है, वो कैरोल के कंसेप्ट पर, कैरोल के मॉडल पर निर्भर करता है. और कैरोल साहब ने हमको ये बताया था कि अगर हम टाइम स्पैन बढ़ा दें तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी चाइल्ड कैन अटेन मास्टरी. क्यों? क्योंकि हर बच्चे के लिए जो हम टाइम स्लॉट लेकर चलते हैं वो आइडियल नहीं होता है. कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत हरीडीली सब कुछ काम हो रहा है, एकदम जल्दी जल्दी में है सब कुछ, इसलिए वो उससे उस पेस से नहीं चल पाते. लेकिन भाई, अगर हम उनको थोड़ा समय ज़्यादा दे देंगे तो हम उनको, अगर हमने समय बढ़ाया तो एक्चुअली वो चीज़ अटेन कर सकते हैं जो हमको लगता है कि उस समय में वो नहीं अटेन कर पाते, और हम उन पे फेलियर का, स्लो लर्नर का और इन सब का दब्बा लगाकर, ठप्पा लगाकर आगे बढ़ जाते हैं. तो इसलिए ये कह रहा है कि हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन ए गिवन एरिया इफ दे आर गिवन सफिशियंट टाइम, यानी कि यदि उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा तो वो बढ़िया अटेन कर सकते हैं. मास्टरी लर्निंग इज ए सेट ऑफ ग्रुप बेस्ड एंड इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, मतलब ऐसी तकनीकी है अनुदेशन की जिसमें आप इंडिविजुअलाइज भी दे सकते हैं, ग्रुप बेस्ड भी दे सकते हैं, मतलब क्लासरूम को एक साथ भी दे सकते हैं
हैं, वन बाई वन भी दे सकते हैं, और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर बेस्ड है कि लर्नर्स विल अकॉम्प्लिश, जो बच्चा है, जो सीखने वाला है, जो स्टूडेंट है आपका, वो हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकॉम्प्लिश कर सकता है, ऊंची दर्जे का समझ अपने अंदर ला सकता है किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, यदि हम उनको सफिशियंट टाइम देंगे। यही मास्टरी लर्निंग का जिस्ट है और ये हमको डेफिनेशन मिल रही है एंडरसन साहब के द्वारा 1975 में। अब जिसके लिए ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ा क्योंकि पिछले वीडियो से टाइप्स ऑफ मास्टरी लर्निंग क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसलिए, और बहुत बार ये सवाल पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ मास्टरी लर्निंग, हेंस आई डिसाइडेड टू टेक टू मेक अनदर वीडियो। तो दो तरीके की मास्टरी लर्निंग की बात हमको मिलती है, पहला ब्लूम्स लर्निंग फॉर मास्टरी जो 1968 में आ रहा है, और दूसरा केलर्स पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको PSI के नाम से बहुत फेमस है, जो 1960s में आता है। तो ब्लूम साहब से शुरू करते हैं, ब्लूम्स लर्निंग फॉर मास्टरी। सबसे पहले कि हमको ये पता होना चाहिए कि ब्लूम को हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कॉग्निटिव डोमेन के अलावा भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, बेंजामिन एस ब्लूम का। मास्टरी लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी एंड एजुकेशनल फिलोसफी फर्स्ट फॉर्मली प्रपोज्ड बाय बेंजामिन एस ब्लूम इन 1968। पर हम जानेंगे जब हम मास्टरी लर्निंग को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये कैरोल का बहुत बढ़िया प्लान था, उसी को इन्होंने एक्सपेंड किया है, लेकिन कैरोल साहब का नाम नहीं लिया जाता है, ब्लूम का ही लिया जाता है इस पे। मास्टरी लर्निंग इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, किस विश्वास पर यह आधारित है, दैट स्टूडेंट्स मस्ट अटेन अ लेवल ऑफ मास्टरी, कि बच्चों को, विद्यार्थियों को एक मास्टरी का लेवल चाहिए, कहाँ तक, 90% ऑन ए नॉलेज टेस्ट, यानी कि 100 में 90 नंबर अगर वो अचीव कर रहा है तब हम कहेंगे कि उसको उस कंसेप्ट पर मास्टरी हो गई है, इन प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू लर्न सक्सीडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले जो आपको पढ़ाया गया उसमें आपको 100 में से 90 नंबर लाने होंगे, 90 तब हम कहेंगे कि आपने मास्टरी लर्निंग के कंसेप्ट को अचीव कर लिया है। ड्यूरिंग 1960s बेंजामिन एस ब्लूम स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस इन ऑर्डर टू अडैप्ट द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग इन ए ग्रुप बेस्ड क्लासेस। यानी 1960 के आसपास बेंजामिन एस ब्लूम साहब ये काम कर रहे थे कि वो खोज रहे थे कि कैसे हम ग्रुप और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट की लर्निंग को हम इम्प्रूव कर सके। फिर Bloom played a contributory role to change the conceptual model of school learning developed by Carroll into a working model for mastery learning. देखिए कैरोल साहब का नाम आ गया। ब्लूम ने कैरोल के ही कंसेप्चुअल मॉडल को लिया, जो उन्होंने स्कूल लेवल पे लर्निंग को बेहतर करने के लिए बनाया था, और उसको एक वर्किंग मॉडल बनाया मास्टरी लर्निंग का। उनका रोल बस इतना ही है, बट यही ज्यादा फेमस हो गए। देन ब्लूम एक्सपेंडेड एंड चेंज कैरोल्स मॉडल इनटू एन इंस्ट्रक्शनल एंड प्रैक्टिकल सिस्टम फॉर क्लासरूम लर्निंग इन 1968 में ये कैरोल के मॉडल को चेंज करके एक प्रैक्टिकल सिस्टम बना रहे हैं क्लासरूम लर्निंग में, बच्चों की, स्टूडेंट्स की मास्टरी को अटेन करने के लिए। इन ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग अप्रोच स्टूडेंट्स लर्न विद देयर क्लास fellows cooperatively and the teacher controls the delivery and flow of instruction. जो ब्लूम का ये अप्रोच है उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो आपस में अपने फेलो लर्नर के संग कोऑपरेशन से सीखते हैं, और टीचर का रोल है कि वो डिलीवरी एंड फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगा। फिर ब्लूम proposed a specific learning teaching learning strategy known as learning for mastery. देखिए शुरुआत में गर्मी बहुत है। ब्लूम ने लर्निंग फॉर मास्टरी का कंसेप्ट लाया, मतलब शुरुआत में इनकी कंसेप्ट को लर्निंग फॉर मास्टरी या LFM कहा गया, बाद में इसको मतलब आसानी के लिए मास्टरी लर्निंग कह दिया गया, लेटर इट वाज कंडेंस्ड टू सिंपली मास्टरी लर्निंग। तो ब्लूम प्रपोज्ड अ स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी नोन एज लर्निंग फॉर मास्टरी एंड लेटर इट वाज कंडेंस्ड टू सिंपली मास्टरी लर्निंग। देन अकॉर्डिंग टू ब्लूम मास्टरी लर्निंग अप्रोच फर्स्ट द मटेरियल्स एंड कंसेप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स विद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारी सामग्री है उसको हमको छोटी छोटी इकाइयों में बांट देना है, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव्स पहले ही निर्धारित कर लेंगे। भाई हमको सबसे पहले तो मास्टरी का कंसेप्ट डिफाइन करना होगा ना, तब तो मास्टरी लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है इस पर बात कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि पहले ही उसको छोटी छोटी यूनिट्स में बांट लिया, हर यूनिट के लिए ऑब्जेक्टिव्स पहले डिसाइड कर लिए, तब हम आप पर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे और फिर आपका फॉर्मेटिव समिटी इवैल्यूएशन करेंगे। फिर सफिशिएंट टाइम फॉर लर्निंग इज प्रोवाइडेड फॉर दोज नीडिंग रिमीडिएशन। देखिए अब यहाँ पे हम आपको डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो ब्लूम ये जो कंसेप्ट उठा था ये कैरोल का और वॉशबर्न का, विनेट का प्लान 1920 का है, तो इसके बाद ये बीच में थम सा जाता है, और प्रोग्राम लर्निंग का भी इसमें रोल है। तो प्रोग्राम लर्निंग भी तो यही कहती है कि हम एक फ्रेम पे हैं, फिर हम दूसरे फ्रेम पर जाना चाहते हैं, फिर जब हम गलती करते हैं तो हमको सुधार किया जाता है, फिर हम नेक्स्ट फ्रेम, फिर हमको सुधार के बाद हम उस फ्रेम पे जाते हैं। तो मोर और लेस ये आपको थोड़ा बहुत उसी तरीके का लग रहा होगा। तो
रिमीडिएशन की जरूरत होती है, वो जो गलती करते हैं, जो त्रुटि कर रहे हैं, वो नेक्स्ट फ्रेम पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम उनको रेमेडी प्रदान करेंगे, करेक्टिव मेजर्स प्रदान करेंगे और फिर वो नेक्स्ट फ्रेम पर जाएंगे। तो ये उससे भी मिलता जुलता है ना, आगे आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चलेगा। फिर स्टूडेंट्स कंटिन्यू द साइकिल ऑफ स्टडिंग एंड टीचिंग अंटिल मास्टरी इज अचीव एंड देन मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। जो विद्यार्थी हैं वो इसी चक्र को फॉलो करते रहते हैं कि पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों का उत्तर देंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों का उत्तर देंगे, दोबारा पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों का उत्तर देंगे, जब तक कि वो मास्टरी को अचीव नहीं कर लेते, तब ही वो नेक्स्ट यूनिट पर जाएंगे। ये कह रहे हैं ब्लूम साहब 1968 में। अब आता है जो नेक्स्ट सिस्टम है, केलर्स का प्लान। इसको पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन या PSI नाम दिया, फ्रेड एस केलर इनका पूरा नाम था। नाम ही बता रहा है, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी व्यक्तिगत अनुदेशन हमको देना है, व्यक्ति वाइज मतलब स्टूडेंट वाइज देना है, पर्सन वाइज देना है, यानी हर के हिसाब से हम चलेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने पेस से चलेगा, ऑब्वियसली वो बेटर अचीव कर पाएगा। तो क्या कहते हैं ये, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अनदर सेल्फ लर्निंग टेक्निक विच एम्फसाइजेस इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये ऑब्वियस है। इट इज ऑल्सो नोन एज केलर्स प्लान एंड इज वाइडली used all over the world. This technique is called PSI because instruction is designed according to the need and ability of the student. कह रहे हैं ना कि चूंकि individualized instruction है, इसलिए student की need और ability के हिसाब से। Then, like other individualized instructional materials, PSI also allows the student to move through course material at his or her own pace and requires mastery learning by him or her. फिर फीचर्स क्या है इसके, इतना तो पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। केलर आइडेंटिफाइड 5 मेन फीचर्स व्हिच डिस्टिंग्विश PSI फ्रॉम कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि 5 मुख्य बातें इसमें हैं जो कि जो कन्वेंशनल मेथड है पढ़ने पढ़ाने का उससे अलग है। कैसे, PSI इज ए मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग टेक्निक, सबसे पहली बात, यानी कि इसमें हमारा फोकस किस पे है कि हमको मास्टरी अटेन करवानी है स्टूडेंट से। देन इट इज इंडिविजुअली पेस्ड टेक्निक ऑफ टीचिंग लर्निंग। Then it uses few lectures to stimulate and motivate the students. It uses printed study guides to communicate information. It uses tutors to evaluate attainment of the objective by the student. यानी कि कोई इसमें देखिए आपको नई बात नहीं निकल के आ रही है, लेकिन हम individualized है इसलिए हम पेस उसका चलेगा, किसका, स्टूडेंट का, इसलिए लर्नर कंट्रोल्ड हो गया। हम कुछ लेक्चर आपको स्टिमुलेट और मोटिवेट करने के लिए देंगे, हम आपको प्रिंटेड स्टडी मटीरियल देंगे। देखिए बात कब की है ना, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा, 1960 के आसपास की बात है। इसलिए ये सब स्पेशल है, लेकिन एटलीस्ट हम इसकी फिलॉसफी पकड़ सकते हैं कि हाँ हमको मास्टरी अटेंड करवानी है। देन इट यूजेस ट्यूटर्स, और हमको ट्यूटर होगा तो 1-on-1 स्टूडेंट के संग इंटरेक्शन होगा उसका, तो बेटर आउटकम निकल कर आएगा। फिर क्या खास बात है इसकी, गो एट योर ओन पेस फीचर, अपनी गति से चलो, किसके लिए कहा जा रहा है, विद्यार्थी के लिए। विच परमिट्स अ स्टूडेंट टू मूव थ्रू द कोर्स एट अ स्पीड कमेंसुरेट विद हिज एबिलिटी एंड अदर डिमांड्स ऑफ हिज टाइम, यानी कि जो स्टूडेंट है वो अपनी गति से चलेगा कोर्स को पूरा करने के लिए। द यूनिट परफेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर एडवांस, हमको यूनिट को परफेक्शनली खत्म करना है, रिक्वायरमेंट यही है कि यूनिट पे हमको परफेक्शन अटेन करना है। विच लेट्स द स्टूडेंट गो अहेड टू न्यू मटेरियल ओनली आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिंग मास्टरी ऑफ दैट विच प्रीसीडेड, यानी कि जो पहले पढ़ाया गया उस पर आप मास्टरी अटेन कर लेंगे तभी नेक्स्ट पर जाएंगे। एक्चुअली मैंने फैन नहीं चलाया ना, उसकी आवाज बहुत गड़गड़ गड़गड़ आती है तो वॉइस क्लियर नहीं आती इसलिए इतना। The use of lectures and demonstrations is vehicles of motivation rather than sources of critical information. ये कह रहा है कि use of lectures and demonstrations, यानी कि हम lecture भी देंगे, हम आपको demonstrate करके भी दिखाएंगे, motivate करेंगे, rather than sources of critical information. फिर the related stress upon the written word in teacher-student communications and finally the use of proctors which permits repeated testing, immediate scoring, almost unavoidable tutoring and a marked enhancement of the personal social aspect of the educational process. ये Fred Keller खुद कह रहे हैं 1968 में, यानी कि इतना कुछ हमको करना पड़ेगा तब आपकी पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन का गोल पूरा होगा कि आप अपनी गति से चलिए, आप यूनिट पे पहले परफेक्शन हासिल कीजिए, आपको लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, आपके स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश की जाएगी, प्रॉक्टर्स होंगे आपकी बार बार टेस्टिंग के लिए, बार बार टेस्ट करना पड़ेगा ना। देन अच्छा, हमको देखने से क्या लग रहा है कि जो ब्लूम का प्लान है और जो केलर का प्लान है, दोनों ही मास्टरी लर्निंग की बात करें तो दोनों में कुछ अंतर होगा ना, क्यों ब्लूम साहब अलग बात कर रहे हैं, केलर अलग बात कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंस भी हमको पता होना चाहिए। ब्लूम्स अप्रोच वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लॉइट मास्टरी लर्निंग इन द स्कूल रूम, स्कूल बेस्ड टीचिंग, वेयर इज
केलर डेवलप्ड हिज सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रासिलिया में सबसे पहले केलर साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1960s में। इसलिए जो केलर का प्लान है वो हायर एजुकेशन के लिए है और जो ब्लूम का प्लान है वो स्कूल लेवल के लिए। लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ब्लूम वाला वहां नहीं चल सकते ये यहाँ नहीं चल सकते। इट कैन बी ओवरलैप्ड बट बेसिकली ब्लूम का प्लान स्कूल लेवल के लिए और केलर्स का प्लान हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए है। फिर ब्लूम का जो वर्क है वो किस पे बेस्ड है, वेयर इज ब्लूम हैड डेवलप्ड द वर्क ऑफ कैरोल एंड गैने। गैने देखिए, गैने हम लोग गैगने भी कहीं कहीं लिखा रहता है, गैने साहब का हम लोग हायरार्की पढ़ते हैं ना लर्निंग में, तो वहां वो भी हायरार्की भी आती है इसमें जब हम डिटेल में मास्टरी लर्निंग ब्लूम की पढ़ते हैं। तो ब्लूम का जो प्लान है वो बेसिकली कैरोल और गैने पे बेस्ड है, जबकि केलर का प्लान ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है स्किनर की। इसीलिए देखिए वो प्रोग्राम लर्निंग से मैच कर रहा है ना, क्योंकि प्रोग्राम लर्निंग में क्या है कि आपको करेक्टिव मेजर्स दिए जाएंगे, आप बार बार उसको करेंगे जब तक आप नेक्स्ट पे नहीं जाते हैं। तो केलर्स ग्रुप वॉज ओवरटली ओवर ऑपरेंट इन इट्स ओरिएंटेशन और एज केलर पुट इट टैड विद द ब्रश ऑफ री इन्फोर्समेंट थेरी। दे वर एक्साइटेड बाई स्किनर्स नेचुरल साइंस कोर्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑल वर कन्विंस्ड दैट ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड वर होपलेसली आउट ऑफ डेट एंड वर इम्प्रेस्ड बाई द टीचिंग मशीन एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मूवमेंट। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मूवमेंट चल रहा था उससे केलर बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो चल रहा है हमारा पढ़ने पढ़ाने का तरीका वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है और हमको मास्टरी लर्निंग के कंसेप्ट को अपनाने की जरूरत है। तो यहाँ पे डिफर करते हैं ब्लूम और केलर, और इन मैनी वेज the work of Bloom and Keller in their mastery learning systems represents the summit of achievement for the neo-behavior systems approach to instruction। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, स्किनर साहब कौन है, कौन थे, बिहेवियरिस्ट। तो ब्लूम और केलर को हम कह सकते हैं कि कुछ न्यू बिहेवियरिस्ट अप्रोच है इनके पास, दैट वर बोथ वर बिल्ट ऑन फॉर्म थ्रू डिफरिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द बिहेवियरल साइंस अप्रोच टू द टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इस तरीके से हम समअप कर सकते हैं अपनी बात को कि बिहेवियरल साइंस की एप्लीकेशन को टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में ब्लूम और केलर ने डालने की कोशिश की और थोड़ा सा डिफरिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल लेते हुए दोनों लोग चाह एक ही चीज रहे हैं कि मास्टरी लर्निंग के कंसेप्ट को हम अटेन कर fine। So LFM मतलब लर्निंग फॉर मास्टरी एंड PSI means पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट the early only methods which consistently produce significant educational results। Okay, बहुत पसीना बहाया हमने, सिर्फ इसलिए फैन नहीं चलाया था कि आवाज ना डिस्टर्ब हो। Okay, so thank you all and don't forget to like and subscribe my channel and to find this channel in Telegram type explore education। Okay, so I think now you have covered the topic of mastery learning in a better way। तो मैं जब इसको अपलोड करूंगी तो पिछले वीडियो का भी लिंक आपके संग शेयर कर लूंगी, तो आप मास्टरी लर्निंग को जान लीजिए, कैरोल के प्लान को जान लीजिए, वॉशबर्न मिनिटका के प्लान को जान लीजिए, फिर ब्लूम उसको कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, अडैप्ट कर रहे हैं, और फिर केलर कैसे अलग उन्होंने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और ऑपरेंट कंडीशनिंग और बिहेवियरिज्म को लेते हुए चले हैं। तो अच्छा टॉपिक है, जनरली मैटर इसका मुश्किल से मिलता है, बिकॉज मतलब बहुत सरफेस लेवल पे मिलता है। तो आई थिंक इट विल बी यूजफुल फॉर यू। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।